बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए। इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का आपको पता है कि क्या होता है। लेट सपोज अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेना हो तो क्या होगा, ये है 1 2 फर्स्ट रो और 0 1 सेकेंड रो। ये फर्स्ट रो है, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यूँ 1 2, और जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम। मतलब आप रोज को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स के अंदर, क्लियर हुई बात। ये होता है ट्रांसपोज। आइए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले करते हैं। निकालना क्या है हमने, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। ए क्या है हमारे पास, 1 2 0 1, प्लस बी क्या है हमारे पास, 1 1 2 0। इसको स्टार्ट करते हैं हम। 1 प्लस 1, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड होगा इसके भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर 2 प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का यहाँ सेकेंड एलिमेंट से ऐड होगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। ये 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी का ये इनका सम आ गया, ए और बी का। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, अब हमने ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यू कन्वर्ट हो गया। सेकेंड रो है ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड कैसे निकलेगी सर, राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हमें देखें ए क्या दिया हुआ, सर ए दिया हुआ 1 2 0 1। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो है 1 2, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 और 2, सेकंड रो है ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। इसी तरह बी क्या है, सर बी है 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज क्या होगा, सर ये हो जाएगा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। निकालना क्या है सर, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले देखें ए ट्रांसपोज क्या है, 1 0 2 1, प्लस बी ट्रांसपोज आएगा 1 2 1 2 1 0। इनको कर लेंगे ऐड, ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। क्लियर हुआ, अब देखें क्या ये दोनों आंसर्स बराबर हैं। जी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या था, 2 2 3 1, ये क्या है, 2 2 3 1, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई। यहां लिख दीजिए देयर फोर, लिखते हैं यहां 3 डॉट्स डाल दें, इसका मतलब भी देयर फोर होता, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड क्या थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लिख दें, सो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही चीज उसने आपको वेरीफाई करने का कहा था, यही आपने वेरीफाई कर दी। लिख दिए, भले यहां पे लिख दें वेरीफाइड। क्लियर हुआ, ये हमारा पहला पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का ये हो गया। इसको देख लीजिए हमेशा गौर से। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर एट का सेकंड पार्ट है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट में दरमियान में प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ उसी तरह होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी इक्वल क्या होगा, सबसे पहले ए लिखते हैं, 1 2 0 1, माइनस का साइन आ जाएगा, 1 1 2 0। इसको सॉल्व करते हैं, 1 में से 1 सबट्रैक्ट किया 0, 2 में से 1 सबट्रैक्ट किया 1 बच गया, 0 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, ये यूं होगा 0 माइनस 2 0 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, -2। फिर 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब क्या निकालना है सर, a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज निकालना है, आइए निकालते हैं। फर्स्ट रो है 0 1, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है -2 और 1, ये सेकंड कॉलम हो गया। अब ये तो हो गया ये पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड हमने देख ली, अब आती है बारी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है सर, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए क्या है सर हमारे पास, ए है हमारे पास 1 2 0 1, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, फिर फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। बी क्या है, बी हमारे पास है 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज निकालते हैं सर। अब फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमने निकालना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, निकालते हैं ए ट्रांसपोज क्या है, ये हमने निकाला है 1 0 2 1 1 0 2 1, माइनस बी ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 0। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 में से 0 1 सबट्रैक्ट किया 0 आ गया, 0 में से 2 को सबट्रैक्ट किया तो -2 हो गया, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, 1 में से 0 को सबट्रैक्ट किया 1 ही आ गया। तो देखें क्या ये और ये बराबर हैं, जी 0 0, -2 -2, 1 1 और 1 1, दोनों इक्वल हो गए। आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो लिख दीजिए 3 डॉट्स डाल के, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमने वेरीफाई करना था और यही हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड, ठीक हुआ। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें कह रहा है कि बताइए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वेरीफाई करना। देखिए सबसे पहले चीज के सिमेट्रिक क्या होता, सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया इस क्वेश्चन में और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया, दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अगर आपको एक गिवन मैट्रिक्स है ए, लेट सपोज वो कुछ भी दिया हुआ है, अगर आप इस मैट्रिक्स ए का लें ट्रांसपोज, क्या लें ट्रांसपोज, मतलब उसकी रोज को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रो बना दें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स है वो ए के ही इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, क्या है सिमेट्रिक है, क्लियर हुआ। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो क्या है, सिमेट्रिक है। सेकंड, अगर इसी मैट्रिक्स ए का हम लेते हैं ट्रांसपोज, वो ए के इक्वल नहीं आता बल्कि माइनस ए के इक्वल आता है, मतलब जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया उसके रोज को कॉलम बनाया तो क्या हुआ कि अगर आप उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस कॉमन ले लें, सब में से माइनस और वो मैट्रिक्स पूरा,
तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी कोई एग्जांपल? तो मैं अभी जब ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये दोनों पार्ट्स, ये वाला भी इससे आगे वाला भी, तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की एग्जांपल्स, बहुत अच्छा है कि आपकी बुक में से ही मैं आपको चीज़ें रेफर करूँ। ये दोनों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सिमेट्रिक क्या होता, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता, और अगर आपने जब उसका ट्रांसपोज लिया और वो उसके माइनस के इक्वल आ जाए, ये मैट्रिक्स ए था, इसका ट्रांसपोज जब आपने लिया तो वो मैट्रिक्स वही और उसके बाहर माइनस आए, तो वो कहलाता स्क्यू सिमेट्रिक। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सबसे पहले हमने क्या करना है सर, ए दिया हुआ है, क्या है ए? 1 2 0 1। इसका क्या निकालते हैं सर? अब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, 1 2 0 1, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए क्या है? 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? 1 0 2 1। अब इनको ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर हुई बात? अब इसका ये जो आंसर आया, हमने बताना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इस आंसर का नाउ लिख दीजिए यहां पे नाउ, कि अब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्या होता है? कि जब आपको गिवन मैट्रिक्स है उसका आप ले लें ट्रांसपोज, गिवन मैट्रिक्स का क्या लें ट्रांसपोज, उसी के इक्वल आ जाए, तो उसके बारे में सिमेट्रिक कब बता पाएंगे? इस पूरे का ले लो ट्रांसपोज, इस पूरे का क्या लेना है ट्रांसपोज। जब आपने इस ये है ना, इस पूरे का आंसर ये, इस पूरे का लें ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो है 2 2, ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है 2 2, ये क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम। तो क्या आपको फर्क आया? जो गिवन मैट्रिक्स था वो और जो उसका ट्रांसपोज था वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब यहां पर लिख दीजिए एज या सिंस करके लिख दें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये चीज थी ना, इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये रफ वर्क था समझाने के लिए। क्वेश्चन यहां पे डन हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। हमने ये बताना था, हमने ये बता दिया कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर? ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। चलें फोर्थ पार्ट से करते हैं। वो कह रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये वेरीफाई करना है, इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा हमें। सबसे पहले जो हमें गिवन मैट्रिक्स है हम वो लिखेंगे सॉल्यूशन में, 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, वो क्या होगा जनाब? 1 2, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए क्या है? 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? 1 0 2 1। वन में से वन को सब्ट्रैक्ट किया, जीरो बचा। टू में से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया, टू बच गया। जीरो में से टू को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस टू बच गया। देखिए ना, जीरो माइनस टू क्या बचेगा? माइनस टू। वन में से वन को सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो बच गया। यहां तक क्लियर? हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, बल्कि यही लिख लेते हैं हम, ए माइनस ए ट्रांसपोज। एक तो ये हमने निकाल लिया, अब देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। नाउ इस पूरे का ले लें ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये है ना गिवन, इसका क्या ले लें? ट्रांसपोज ले लें। चेक करते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो क्या बन गया? सेकंड कॉलम बन गया। अब देखिए
ये मैट्रिक्स 0, 2 और माइनस 2, 0, ये और ये इक्वल हैं? नहीं इक्वल। लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लिया, इस 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस 0 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये माइनस 2 था, इसका साइन चेंज हो गया, ये क्या हो गया? प्लस 2। इसका माइनस बाहर चला गया, ये प्लस 2 था, इसके साथ कोई साइन नहीं, जिसके साथ कोई साइन ना वो प्लस होता, ये प्लस 2 था, जब माइनस बाहर चला गया तो ये क्या हो गया? इसका साइन भी चेंज हो गया। माइनस जो है वो डेफिनेटली सबका साइन चेंज कर देता अंदर वाले नंबर्स का। ये क्या हो गया? प्लस 2 और ये माइनस 2। अब आगे चलते, देखिए क्या ये माइनस और अंदर जो मैट्रिक्स है 0, 2, -2, 0, ये इसके इक्वल है? जी, ये देखें ना, 0, 2, 0, 2, -2, 0, -2, 0, ये दोनों आपस में एक दूसरे के, इसकी जगह देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया, किसके इक्वल? चले मैं पहले ये लिख देता हूँ नीचे से ना, 0, 2, -2, 0, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आप देखें सेम है, एक जैसे, मतलब ये क्या है, ये असल में है क्या? ये है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक हुआ, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, मतलब आपने जब इस पूरे का ट्रांसपोज लिया तो वो इसी के इक्वल आया और साथ में माइनस आया। स्क्यू सिमेट्रिक हमने यही कहा था कि जब आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स गिवन था, आप इसका ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? क्या आ गई? ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, डन हो गया, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका हमारा। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, कह रहा है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये बताइए, ये वेरीफाई कीजिए। जैसे हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को वेरीफाई किया, उसी तरह इसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें मैट्रिक्स बी क्या गिवन है, सर वो गिवन है 1, 1, 2, 0, उसका निकाल लें ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा ट्रांसपोज उसका? 1, 1 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया, 2, 0 सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम हो गया। बी प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? बी क्या है? 1, 1, 2, 0 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है? 1, 2, 1, 0। क्या आया आंसर? 1 प्लस 1, 2, 1 प्लस 2, 3, 2 प्लस 1, 3, 0 प्लस 0, 0। ये हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। हमने अब ये चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। कैसे चेक करें? चेक करने के लिए इसका क्या लेंगे सर? अब हम ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ लिख दें बेशक ना हो, लिखना चाहें तो इस पूरे का ले लिया ट्रांसपोज। इस पूरे का जब आपने ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ? 2, 3 क्या हो गया? यूं फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड क्या है? 3, 0, 3, 0। लेकिन देखिए ये तो वही आ गया, जब आपने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, इसका मतलब ट्रांसपोज लिया, 2, 3, 2, 3, 3, 0, 3, 0, वही मैट्रिक्स वापिस आ गया। तो इट मीन्स के ये क्या है? सिमेट्रिक है। एस बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आया ना, ये है क्या? ये बी प्लस बी ट्रांसपोज है, इसके इक्वल है। सो लिख दीजिए बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें बी गिवन क्या है? 1, 1, 2, 0, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं हम, 1, 1, 2, 0। देखिए ना, जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो थी
सेकेंड कॉलम बन गया। अब आगे बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या हुआ, बी क्या है, वन वन टू ज़ीरो माइनस, बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज है वन टू वन ज़ीरो। आंसर क्या आया देखिए, वन में से वन सबट्रैक्ट किया ज़ीरो, वन में से टू सबट्रैक्ट किए वन माइनस टू, तो क्या बचा माइनस वन बच गया, टू में से वन सबट्रैक्ट किए वन, ज़ीरो में से ज़ीरो गए तो ज़ीरो आ गया। क्लियर हुई बात, ये हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। नाउ बी माइनस बी ट्रांसपोज इसका क्या ले लिया, अब हमने पूरे का ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेते हैं सर, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन गया। क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। आप इसमें से क्या लें, अब क्या ये मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज देने के बाद आया जो इससे ये था बी माइनस बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, नो सर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जीरोज और जीरो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस वन है ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन है ये प्लस वन हो जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड है कि प्लस है। चलते हैं आगे, हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस ज़ीरो माइनस वन वन और ज़ीरो, ये आ गया जी। क्लियर, ये और ये सेम है, ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो वन जी, ये दोनों सेम हो गए। अब करेंगे यहाँ पे एज बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है, ये किसके इक्वल है, माइनस का साइन आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज के, ये इसके इक्वल आ गया। क्लियर, आपने ये मैट्रिक्स गिवन था इसका ट्रांसपोज लिया तो ये इसी के माइनस के इक्वल आ गया, सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हुआ, ये हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर एट का हो गया, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।